वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान जबरदस्त बवाल, पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प। अलीगढ़ के कोतवाली इलाके में कोहराम पथराव में एक पुलिस वाले के सिर में लगी चोट। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक था बाजार खुलने का वक्त, तय समय के बाद बाजार बंद कराने को लेकर बवाल। पुलिस और दुकानदारों के बीच कहासुनी, ठेले वालों ने पुलिस पर किया हमला, दोनों तरफ से पत्थरबाजी। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती, हालात तनावपूर्ण। पटना में राशन नहीं मिलने पर हंगामा, सैकड़ों महिलाएं उतरी सड़क पर। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के साथ आरजेडी नेता भी, पुलिस ने किया तितर बितर। मध्य प्रदेश के सागर में भी सड़क पर उतरी महिलाएं, राशन नहीं मिलने की शिकायत। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के कर्मचारी का प्रदर्शन, 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। सफाई कर्मचारियों की शिकायत, लॉकडाउन के 1 महीने बाद भी नहीं मिला पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स। प्रधानमंत्री निवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कोरोना संकट के मद्देनजर देश के आर्थिक हालात पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स की बात, काम की तारीफ की। गृहमंत्री शाह ने डॉक्टर्स पर हो रहे हमलों पर जताई चिंता, डॉक्टर्स को सुरक्षा का दिया भरोसा। गृहमंत्री से मिले भरोसे के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ऐलान, वापस लिया अपना विरोध। आज नहीं होगी स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम 4 बजे जारी होता था कोरोना अपडेट। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा एक्शन, 5 सदस्यों की केंद्रीय टीम पहुंची मुंबई। मुंबई और पुणे का दौरा करेगी केंद्रीय टीम, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी साथ। महाराष्ट्र में कोरोना कहर जारी, 24 घंटे में 552 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 19 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 5218 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 251 लोग गंवा चुके हैं जान। अकेले मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 3451, 24 घंटे में 419 नए मरीज, संक्रमण ने ली 151 लोगों की जान। अररिया में होमगार्ड के जवान से उठक बैठक कराए जाने के मामले में कार्रवाई, एसआई को किया गया सस्पेंड। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने होमगार्ड के जवान से फोन पर मांगी माफी, बस सलूकी के लिए जताया अफसोस। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड का जवान कर रहा था गाड़ियों की जांच, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को था एतराज। पास मांगने को लेकर भड़का गुस्सा कृषि अधिकारी पर, नहीं हुई कोई कार्रवाई। आजमगढ़ में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का होगा कोरोना टेस्ट, जांच अनिवार्य। देशभर में अब तक 19,984 लोग वायरस से संक्रमित, 640 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1294 तक पहुंचा, 24 घंटे में 153 नए मामले, 20 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर सक्रिय, नोएडा से दिल्ली जाने वाली सभी सीमाएं पूरी तरह से सील। बिना पास के दिल्ली नोएडा की सीमा पार करने पर सख्त पाबंदी, पत्रकारों को 1 दिन की छूट। नोएडा में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं 102 लोग, बीमार लोगों में दिल्ली आने जाने वाले लोग भी शामिल। राजस्थान के बावर में प्रशासन और अस्पताल के डॉक्टर्स के बीच अनबन, काम के बहिष्कार की चेतावनी। मायावती ने उठाया प्रवासी मजदूरों का मुद्दा, भुखमरी पर जताई चिंता, केंद्र घरों को भेजने का करे इंतजाम। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा सस्ते राशन के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं मजदूर, गरीबों को दिए जा रहे हैं राशन में मिल रहा ईंट पत्थर और मिट्टी। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार में विभागों का बंटवारा, नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय। गोविंद सिंह को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, कमल पटेल को मिला कृषि विभाग। मेरठ में कोरोना से 9 संदिग्ध मरीजों के भागने की खबर, पुलिस ने वापस लाने का किया दावा, कहा अस्पताल शिफ्ट करने के दौरान कुछ लोग चले गए घर। जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 380, कल एक डॉक्टर भी आए कोरोना की चपेट में। कर्नाटक के गडग में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, बाजार में दिखी भीड़। पुणे में 8 मंजिला होम्योपैथ अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए समर्पित, मालिक की तरफ से पहल। झालावाड़ में पुलिस की दरियादिली, 2 दिन से भूखे पैदल जा रहे मजदूरों को खिलाया खाना।
मुरादाबाद में कोरोना के 21 मामले आए सामने, अब तक जिले में कोरोना के कुल 100 केस। कानपुर में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को दी अलग सजा, लोगों को लाइन से खड़ा कर उतारी आती। नागपुर के रेड जोन में काम कर रही आशा कार्यकर्ताएं लोगों को कर रही जागरूक। दिल्ली के मंडावली इलाके में कुछ महिलाओं ने किया टोल का सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। अहमदाबाद में रिहायशी इलाके में कोविड सेंटर बनाने पर हंगामा, लोगों का विरोध। आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, अब तक 169 लोग संक्रमित। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पूल टेस्टिंग पर जोर दे रही है यूपी सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा लखनऊ, आगरा और प्रयागराज में शुरू हो चुकी है पूल टेस्टिंग। यूपी में 3 महीने की फीस एक साथ लेने पर पाबंदी, डिप्टी सीएम का आदेश, छात्रों पर दबाव बनाया तो स्कूलों पर होगी कार्रवाई, ऑनलाइन क्लास जारी रखने की हिदायत। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स पर वायरस का हमला जारी, जहांगीरपुर इलाके में 6 पुलिस वाले संक्रमित। दिल्ली में ईस्ट एमसीडी के 2 महिला सफाईकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 1 की मौत, दोनों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान का काम जारी है। रैपिड टेस्ट किट की खराब गुणवत्ता को लेकर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर उठाए को ठहराया जिम्मेदार, कोरोना जांच के लिए पीसीआर टेस्ट किट देने की मांग। दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों की सुरक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, बिहार सरकार से कोर्ट ने मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर, हरिद्वार में कई दशकों बाद पीने लायक हुआ गंगा का पानी। कोरोना के इलाज के लिए आयुष मंत्रालय ने दी रिसर्च को मंजूरी, आयुर्वेद के जरिए इलाज के उपायों की होगी खोज। बिहार के किशनगंज में छुट्टी से लौटे 42 पुलिसकर्मी क्वारंटीन, कोरोना जांच के बाद होगी ड्यूटी पर तैनाती। लॉकडाउन के साथ बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, सीतामढ़ी में खेतों में गेहूं और दाल की फसल बर्बाद, लीची और सब्जियां भी सड़ी। लॉकडाउन में जमकर हो रही शराब की तस्करी, वाराणसी में एक मकान पर पुलिस का छापा, 38 लाख की अवैध शराब बरामद। यूपी के बहराइच में दिव्यांग रिक्शा चालक किफायती दाम पर बेच रहा है होममेड मास्क। पश्चिमी चंपारण में टाइगर रिजर्व के आसपास स्थित गांव में तेंदुए की दहशत, लॉकडाउन के बीच पालतू जानवरों को बना रहा शिकार। महाराष्ट्र के बीड जिले में मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस में लगाई आग, तकनीकी खराबी के कारण एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने से किया गया था इनकार। सीतामढ़ी में लॉकडाउन के बीच दबंगों ने महिला को गर्म सलाखों से दागा, एसपी दफ्तर में नहीं सुनी गई महिला की गुहार। आजमगढ़ में क्वारंटीन सेंटर में संदिग्ध हालत में युवक की मौत से हड़कंप, गांव के ही एक खेत में दफनाया गया शव। लॉकडाउन के बीच कैमरे में कैद हुआ खूबसूरत नजारा, प्रदूषण कम होने से समस्तीपुर में प्रकृति का मजा ले रहे लोग। लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों की पहल, रक्सौल में केक और चॉकलेट लेकर बच्ची का जन्मदिन मनाने पहुंचे गढ़वा थानाध्यक्ष। लॉकडाउन के दौरान गाड़ी जब्त होने से नाराज युवक ने नहर में कूद कर दी जान, खेती और घरेलू जरूरी चीजों के लिए एटीएम जाते वक्त पुलिस ने सीज की थी मोटरसाइकिल। उत्तर प्रदेश के सावसी जिले में कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए छात्रा ने बढ़ाया हाथ, पढ़ाई के साथ साथ घर में बना रही मास्क। मध्य प्रदेश से लॉकडाउन के बीच वापस लौटे 3 युवक, 8 दिन में पूरा किया 1000 किलोमीटर का सफर, पुलिस ने बॉर्डर पर रोका, 14 दिन के लिए क्वारंटीन। संबल में मुस्लिम समुदाय के पुलिस से अपील, रमजान के दौरान मीट की दुकानें खोलने की मांगी इजाजत। बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए आ गया है समाज सेवी, गया में साइकिल के जरिए पहुंचा रहे राशन। यूपी के संत कबीर नगर जिला कलेक्ट्रेट में एनआईसी भवन निर्माण का काम शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ काम कर रहे मजदूर। रायबरेली में जिला कलेक्ट्रेट और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के सराहनीय पहल, मुख्यमंत्री राहत कोष में किया 1 दिन के वेतन का दान। कोरोना संक्रमण के बीच जरूरी सामान की सप्लाई सुनिश्चित करने में जुटी झारखंड सरकार, झारखंड बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च। हिमाचल प्रदेश के सोलन में घर बैठे बच्चों को फिटनेस मंत्र दे रहा है एक निजी स्कूल, ऑनलाइन योगा कंपटीशन के जरिए पोलियो दूर करने की कवायद। कानपुर के आइसोलेशन वार्ड में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रोबो कार का इस्तेमाल, मरीजों तक खाना और दवा पहुंचाने के लिए कारगर। ससराम में 60 वर्षीय महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप, पूरा इलाका सील, सैनिटाइजेशन का काम शुरू।
कोरोना संकट के बीच भी कम नहीं हो रही वारदातें। गुरुग्राम में पति ने बैट से पीट पीट कर की पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में भी लॉकडाउन के बीच दिल दहलाने वाली वारदात, पैदा होने से पहले ही बच्चे को ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रही महिला, सहित दो गिरफ्तार। सूरत में मदद की झूठी अपील करने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज, लॉकडाउन में 15 लोगों के फंसे होने की दी थी जानकारी। रांची में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए युवक ने 21वीं मंजिल से कूदकर दी जान, पूर्व डीडीसी के संपर्क में आने पर किया गया था आइसोलेट। सवाईमाधोपुर में लॉकडाउन की सख्ती के बीच दो गुटों में खूनी संघर्ष, बाहर से आए युवक के कोरोना संक्रमित होने की झूठी सूचना देने पर भड़का गुस्सा। वडोदरा के बुडेली गांव में 2 साल की बच्ची अस्पताल से डिस्चार्ज, परिजनों के कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में किया गया था भर्ती। अलीगढ़ में कोरोना से पहली मौत, अस्पताल में 55 साल के मरीज ने तोड़ा दम, शहर कोतवाली और दली गेट इलाका पूरी तरह से सील। वाराणसी में 11 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग, फूल देकर अस्पताल से किया गया अस्पताल के अधिकारियों ने भेजा घर। बैतूल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में वन कर्मी पहुंचा रहे हैं राशन सामग्री, 50 परिवार तक पहुंचाएगा जरूरत का सामान। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक्शन में सरकार, पोर्टल में बनाया जा रहा अस्पताल। मौलाना साद ने जारी की नई ऑडियो क्लिप, 3 मिनट की क्लिप में जमातियों से कोरोना के खिलाफ जंग में साथ देने की अपील। पालघर मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग, बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया प्रमुख फुरा जगत की जमानत अर्जी खारिज, दंगों की साजिश और सीए के खिलाफ लोगों को भड़काने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र में फंसे मजदूरों को वापस लाने की कोशिशों में जुटी पंजाब सरकार, अमरिंदर सिंह का बयान, केंद्र सरकार से करेंगे अपील। लॉकडाउन के दौरान गर्भवती महिला के साथ पुलिस की बदसलूकी, रिक्शे से उतारकर पैदल अस्पताल जाने को किया मजबूर, रिक्शे वाले को जमकर लगाई फटकार। देवबंद में अब तक 40 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, दारुल उलूम से जुड़े छात्रों और ड्राइवर्स की रैंडम टेस्टिंग की तैयारी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बच्चे का जन्मदिन मनाने पहुंचे शिवर के एसपी, जोश जोश में भूले लॉकडाउन की गाइडलाइंस। फरीदाबाद में सर्वे करने पहुंची आशा वर्कर के साथ मारपीट, शिकायत पर पहुंची पुलिस टीम को भी नहीं बख्शा। पंजाब के मोगा में पुलिस ने 5 लोगों की मौजूदगी में करवाई एक युवक की शादी, रस्मों के बाद घर तक छोड़ा। शाम में फंसे यूपी के मजदूरों ने योगी आदित्यनाथ से की मदद की गुहार, वीडियो जारी कर घर भेजने की अपील की। भोपाल में कोरोना से मौत के बाद बेटे ने पिता का शव लेने से किया इनकार, तहसीलदार ने करवाया अंतिम संस्कार। त्रिपुरा के अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गरीबों में बांटा राशन, 250 परिवारों को दी गई मदद। इंदौर में कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे 48 लोग, क्वारंटीन सेंटर से ताले बजाकर किया गया विदा। धौलपुर में गरीबों की मदद के लिए 9 साल की बच्ची ने बढ़ाया हाथ, गुल्लक तोड़कर खाना और फल बांटे। कानपुर में पूरे परिवार के साथ महिला दारोगा को किया गया क्वारंटीन, पिता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।